उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भगाया। कुछ नहीं बोला, बस यही बोला भाभी मुझे पैसों की जरूरत है। उन्होंने जो FIR में बताया है, घर वालों से जो बात हुई है उनका कहना है, वो घर के जो उसके जो पिता हैं बच्चों के, कि उसने 5,000 रुपये मांगे थे, वो पैसे उसको मिल भी गए थे, लेकिन उसके बाद उसके दिमाग में क्या बात थी इसके बारे में अभी और गहराई से तलाश की जा रही है, मोटिव क्या था और पता किया जा रहा है, और जैसा भी आगे जो फैक्ट्स पता चलेंगे उसके आधार पर अपनी कार्रवाई करेंगे। पुरानी रंजिश के बारे में पता लगा, पुरानी रंजिश अभी तक कोई समझ में नहीं आई। ठीक है। कुछ नहीं था, खाली वो लड़के आए थे पैसे मांगने, 5,000 रुपए मांगे थे। ये जाकर कि भाभी 5,000 रुपए दे दो, हम कल आपको वापस कर देंगे। तो हमको फोन किया हमारी मैडम ने, हमने की कोई बात नहीं, दे दो, दे देंगे, मान लो कोई कहती है भाई करीब का है, रोज में आना जाना उसका है, तो बोले हम सुबह दे देंगे। तो उसको पैसे भी दे दिए। पैसे देने के बाद जो है वो बड़ा वाला लड़का जो हमारा था आयुष, उसके साथ बोला कि चलो भैया ऊपर चलते हैं घूमने, तो चला गया साथ में बड़ा वाला। तो छोटे वाले से उसने कहा कि पानी ले आना हन्नी हमारे लिए, तो हन्नी पानी लेने गया था, और उसने क्या कहा बड़े वाले को वहीं ख़त्म कर दिया, तो छोटे वाले को उसने वहीं पकड़ लिया। जब बीच वाला गया वहाँ देखे वो उसको काट रहा है उससे चाकू से, तो काट रहा, तो उसने देखा कि भैया भी काट रहा, तो मम्मी को बोला कि आ गई मम्मी वहाँ ऊपर मत जाना, तो भैया उसको काट रहा है। तब वो मम्मी भाग के गई, तो भब्बर मचाया, तब जो उसको गिरफ्तार किया पकड़ा गया। अच्छा, हाँ। आप कहीं बाहर रहते हो क्या? जी मैं बाहर रहता हूँ, मैं मोहम्मदी भाई साहब। क्या करते हो? ओवरहेड टैंक का काम करता हूं। अच्छा, ये लोग पहले से आते जाते थे? नहीं नहीं नहीं, वो सामने दुकान थी नाई की। अच्छा, उसके बच्चे बाल कटिंग करते थे, करवाते अपने, जो हम भी कभी कराते थे, मालूम रहते वही दरवाजे की दुकान थी हमने की। कोई पहले से कोई दुश्मनी कुछ नहीं, कोई दुश्मनी नहीं हमारी। ये कहाँ के रहने वाले? ये सकानू रहने वाले। क्या चाहते हो जी? क्या चाहते हो? चाहते ही न्याय, हमको उसका वो न्याय मिलना चाहिए। और पहले कोशिश यही रही कि हमारी जो है उन्हें पकड़ा जाए, एक रह गया जो उसे पकड़ के उसे पूछताछ कीजिए, मतलब जो कि भाई क्या समस्या थी तेरी, क्यों हमारे बच्चों को मारा है। कितने वर्षों से दुकान चला रहा था वो वहाँ पे? दुकान तो हमारे अभी सालों हो गए। बता रहे हैं, परिवार बता रहे हैं कि दो लोग आए थे, दोनों भाई जावेद और साजिद। परिवारी जनों के द्वारा FIR जो लिखाई गई उसमें उसके भाई को भी नामित किया गया है, जावेद जो उसका भाई है वो भी नाई का ही काम करता है, उसकी तलाश में भी टीमें निकाल दी गई हैं और बहुत जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्रिमिनल बैकग्राउंड इन दोनों का, जावेद साजिद का? अभी तक जो लोकल थाना है उसमें तो इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला, लेकिन बाकी जगह भी तलाश कराई जा रही है।